प्यारे बच्चों, आज एसिड बेस एंड सॉल्ट की सेकंड क्लास है, जिसमें से लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि आखिरकार इंडिकेटर्स क्या होते हैं। और फिर मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि इंडिकेटर पहचान, भाई इंडिकेटर कैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट को पहचानते हैं। और फिर एक लास्ट में हमने प्रैक्टिकल भी किया था, जिसमें मैंने आपको एक सिंगल लिटमस पेपर से, किसी भी, चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो, किसी एक सिंगल लिटमस पेपर से तीनों का टेस्ट कैसे किया जाता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है, इसके बारे में बताया था। और काफी देर तक मैं एक ही प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन करता रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। तो फिर हम इसी कारवा को लेके आगे बढ़ते हैं, जिसमें बच्चों इंडिकेटर्स के बाद, पढ़ने के बाद टॉपिक की शुरुआत करता हूं मैं एसिड से, अम्ल। प्यारे बच्चों, क्या होता है ये एसिड, क्या होता है ये अम्ल, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है और कैसे ये अपने आप को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग करना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हर चीज के अंदर कुछ ताकतवर, साइंस जो कहता है कि हर किसी फील्ड के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो ताकतवर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं। तो एसिड के अंदर भी ऐसा ही है कि कुछ ताकतवर है तो कुछ वीक है। ताकतवर का कहने का मतलब क्या है मेरा, कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। हिंदी में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है जी, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्यारे बच्चों, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो है, इसके कैसे पहचान होती है, ये कैसे अपने आप को बताते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, हम वीक हैं। तो बच्चों ये मैं आपको पीएच पेपर, एक इंडिकेटर रह गया था याद होगा आपको, पीएच पेपर, उसके टॉपिक में मैं समझाऊंगा कि कैसे किसी की पहचान, भाई हम स्ट्रांग में लेके जाते हैं और कैसे हम किसी को वीक में लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोगों ने भाई स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड के बारे में काम किया। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में काम किया। ठीक है, तो अब हमें इसके बारे में और भी कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, हमें और भी कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। क्या जाननी पड़ेंगी? तो देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बात कर रहा था मैं। अब बात यह भी, हमें पहचान तो है नहीं, लेकिन कुछ बातें बतानी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपको इसके बारे में पहचान पता चलेगी। ठीक है, अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पहले मैं आपको एक बात बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एक दो एग्जांपल लिख दे, जैसे H2SO4 हो गया। ठीक है, और हमने HCl ले लिया। ठीक है, और HNO3 हो गया। तो ये तीन आप याद कर लो, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में भी सेम नाम है। ठीक है, और इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड। बड़ा प्यारा एसिड है ये। कैसे है बड़ा प्यारा एसिड, वो मैं बताऊंगा आपको थर्ड चैप्टर में, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे मेटल से। ठीक है, अच्छा, वीक एसिड, वीक एसिड में एक दो एग्जांपल ले लो, जैसे CH3COOH। ठीक है, इसे कहते हैं एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड। ठीक है, और कौन से हो सकते हैं, और देख लो, और जैसे बता देता हूं मैं। ठीक है, ये कह सकते हो CH2COOH, इसको कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके के एसिड जो होते हैं वो भाई क्या होते हैं, आपके वीक एसिड होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन ये एक दो याद कर लो, बहुत है। ठीक, तो बच्चों क्या स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर जो ये मैंने तीन नाम लिखवाए हैं ना आपको, ये तीन नाम भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखेंगे अभी आपको पूरे चैप्टर में। ठीक, और ये भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन दुर्बल यानी जो वीक एसिड है उसका इतना काम नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा काम पड़ता है मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, अच्छा चलो एक एग्जांपल, जैसे मैं आपको, अब जैसे ये कर लो,
वीडियो पॉज करके नोट करो। कर लिया? चलो नोट कर लिया होगा। आप जरा ध्यान से देखना, आप जरा ध्यान से देखना। अब बात आती है डाइल्यूशन की। देखो हमेशा एक बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम लोग एक काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम लोग एक काम करते हैं। क्या बच्चों? देखो एक याद रखना, जिसके दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, और एक वर्ड होता है डाइल्यूशन। इसको कहते हैं सांद्रता और इसे कहते हैं तनुकरण है, हिंदी में इसको कहते हैं तनुकरण, इसको कहते हैं सांद्रता, ठीक है। अच्छा अब सांद्रता क्या होती है ये भी ध्यान दो, ठीक है, तनुकरण क्या होता है ये भी ध्यान दो, मतलब कंसंट्रेशन क्या चीज है, डाइल्यूशन क्या चीज है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि कंसंट्रेशन, सांद्रता, डाइल्यूशन, तनुकरण, ठीक है। तो जरा देखो बच्चों, कंसंट्रेशन जो है क्या चीज है, ध्यान से सुनना बच्चों, एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास मान लीजिए एक गिलास पानी है, ठीक है, ये आपके पास भाई पानी है, चाहे तो आप अपने घर पे करके देख लेना बच्चों, डेफिनेटली जो मैं बता रहा हूं ना वो होगा, ठीक है। अच्छा जैसे बच्चों मैंने ये एक गिलास पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या किया, अब देखो हर किसी की अपनी अपनी ना एक मात्रा होती है, एक अपनी लिमिटेशन होती है। आप हो, आपको भाई बच्चों भूख लगी, आप कह रहे हो कि हाँ जी मेरे को भूख लगी, मैं 2 से 3 रोटी खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, ठीक है। आपने भाई 2-3 रोटी जो भी आपको खा ली, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी और सब्जी बन गई आपकी फेवरेट और बड़ी टेस्टी बन गई सब्जी, तो आप क्या करोगे, एक रोटी और एक्स्ट्रा खा लोगे। अगर आपकी कैपेसिटी 3 की है तो आप 4 खा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 5 भी खा लो 6 भी खा लो, नहीं भाई आज तो लाए जा, ठीक है, 10 तक टिका दोगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों हर किसी की एक लिमिट होती है और लिमिट होने के बाद वो अपने कंसंट्रेशन लेवल के हाई पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो जरा पहले ध्यान से सुनो, पहले मैं कंसंट्रेशन बताता हूं होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि हम बात क्या करना चाहते हैं, ठीक है। देखो अब सबसे पहले ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंसंट्रेशन डाइल्यूशन हम करने क्या वाले हैं। क्या भाई कि ये एक गिलास पानी है, इस पानी में मैंने क्या किया भाई, एक चम्मच चीनी डाला घुल गया, दूसरा चम्मच चीनी डाला वो भी घुल गया, तीसरा चम्मच चीनी डाला वो भी घुल गया, चौथा चम्मच चीनी डाला वो भी घुल गया, लेकिन जैसे ही बच्चों मैंने 5वां चम्मच चीनी डाला, इसने घुलने में बड़ी कर दी दिक्कत, मतलब घुल ही नहीं रहा ये, मतलब पहले वो चम्मच चीनी डाला बड़े प्यार से घुल गया, सेकंड डाला वो भी बड़ी जल्दी घुल गया, थर्ड डाला तो घुलने में थोड़ा सा टाइम लिया, फोर्थ डाला तो भाई घुलने में काफी ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन जब 5वां डाला तो भाई वो घुल ही नहीं रहा, उसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है, घुलनशील ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों अब इसकी कैपेसिटी हो गई खत्म। क्यों हो गई खत्म? क्योंकि अब ध्यान देना, दो वर्ड और बताता हूं, एक वर्ड होता है सैचुरेटेड और एक वर्ड होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड बोले तो क्या, संतृप्त, और ये असंतृप्त, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। संतृप्त, संतृप्त क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आइए आपकी 2 रोटी की भूख है तो आप 2 ही खाओगे, ठीक है, तीसरी नहीं खाओगे, ठीक है, और अगर मान लो सब्जी अच्छी बनी आपने तीसरी खा भी ली तो अब आप संतृप्त हो चुके हो, अब आप 4थी 5वीं नहीं खाओगे, लेकिन अगर आपको 2 रोटी की भूख है आपने 1 ही खाई है तो आप क्या हो, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, यानी आप अभी पूरी तरीके से आपका पेट नहीं भरा। तो बस सेम चीज है भाई कि यार ये एक गिलास पानी है, जब पहले चम्मच चीनी डाला तो बड़े आराम से घुल गया, क्यों, क्योंकि अनसैचुरेटेड था, दूसरा चम्मच चीनी डाला तब भी बड़े प्यार से घुल गया, क्यों, क्योंकि अनसैचुरेटेड था, तीसरे में भी धीरे धीरे घुला लेकिन घुल गया, क्यों, अनसैचुरेटेड, चौथा डाला धीरे धीरे बहुत धीरे घुला लेकिन घुल गया, क्यों, क्योंकि तब तक भी अनसैचुरेटेड था, लेकिन जब हमने 4 चम्मच चीनी उसके अंदर घोल दिए तो वो अब क्या हो चुका था, सैचुरेटेड हो चुका था, मतलब प्राप्त हो चुका था कि भाई अब नहीं, अब मेरे से एक भी चम्मच चीनी घोला नहीं जाएगा। तो वही देखा हमने कि जब हमने 5वां चम्मच चीनी डाला तो क्या हुआ भाई, वो उसको डिसॉल्व नहीं कर पाया, घोल नहीं पाया, क्यों, क्योंकि वो क्या हो चुका था, वो सैचुरेटेड हो चुका था, संतृप्त हो चुका था। तो बच्चों इसी तरीके से जब भी पानी में जब हम कुछ मिलाएं और मिलाने के बाद, ठीक है, मिलाने के बाद वो सैचुरेटेड हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है,
ऐसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, नाइन्थ क्लास की एक बात बताता हूं आपको। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यानी क्या क्या बनता है भाई, वो सॉल्यूशन बनता है। हिंदी वालों को भी बताता हूं, विलय प्लस विलायक, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने नाइन्थ में, क्या बनता है विलयन, क्या बनता है विलयन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्यों समझा रहा हूं, ये नाइन्थ का भी क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये काम आएगा, अभी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो बच्चों सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हुआ, जिसको हम मिलाते हैं। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, जिसके अंदर मिलाते हैं। और सॉल्यूशन क्या है, जब ये दोनों मिलके एक नई चीज बनती है, जैसे पानी के अंदर चीनी, तो भाई चीनी कौन है, सॉल्यूट, क्योंकि उसको हमने मिलाया। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, पानी, जिसने अपने अंदर चीनी को घोल लिया, मिला लिया, और दोनों मिलके सॉल्यूशन बन गया, मीठा पानी बन गया। सही बात है, इसी तरीके से भाई दूध भी यही है, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज के अंदर किसी चीज को मिलाते हैं, ठीक है, तो जिसको मिलाएंगे वो होगा सॉल्यूट, जिसमें मिलाएंगे वो होगा सॉल्वेंट, और जो दोनों से मिलके बनेगा वो होगा सॉल्यूशन। तो बच्चों यही चीज है कि हमने यहां पे एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है, और वो सॉल्यूशन ने, मान लो भाई सॉल्यूट ने घुलना बंद कर दिया। मतलब ध्यान से सुनना आप क्या बोलने जा रहा हूं मैं, अगर सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है और सॉल्वेंट कम हो जाता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, सांद्र होगा। कैसा होगा, सांद्र होगा। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, कि भाई किसी सॉल्यूशन को आप कंसंट्रेटेड कब बोल सकते हो, आप किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड तब बोल सकते हो जब सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, और उसके मिलने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। यहां तक बात पल्ले पड़ गई, अच्छा। लेकिन बच्चों मैं ये चाहता हूं कि मैं ये पांचवा चम्मच चीनी भी घोल दूं, ठीक है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं पानी के अंदर इस चीनी को डाल दूंगा, आप कहोगे चल घुलना घुल तो रहा नहीं, तो एक काम करो उस चीनी को बाहर निकाल लो, ऐसा काम तो हम करते हैं नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, या एक बात बताओ आप क्या करते हो, कि जैसे अगर कोई चीज आप कुछ भी बना रहे हो, ज्यादा मीठा हो जाए या ज्यादा नमकीन हो जाए, तो आप क्या करते हो, ऊपर से पानी डाल देते हो, डालते हो कि नहीं डालते हो। तो बस बच्चों यही है कि जैसे ये चार चम्मच चीनी डाली भाई आराम से घुल गया, लेकिन पांचवा डाला तो घुला नहीं, लेकिन मैं घुलना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से और एक्स्ट्रा वाटर डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, एक्स्ट्रा वाटर डाल दूंगा, एक्स्ट्रा पानी डाल दूंगा। इससे होगा क्या, जैसे ही इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा पानी मिलाऊंगा तो वो अपने आप को क्या करेगा भाई, जगह ज्यादा बना लेगा और उसके अंदर घुलना वापस शुरू हो जाएगा। तो हम यही काम करते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पानी डालना ही क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा पानी डालना ही डाइल्यूशन होता है, तनुकरण होता है। तनुकरण मतलब पानी का मिलाना, एक्स्ट्रा पानी का मिलाना। मतलब इस केस में आपको क्या सीखना है, इस केस में ये सीखना है कि अगर देखो ये रेड वाला किसका है, कंसंट्रेशन का, ब्लू वाला किसका होगा, इसका डाइल्यूशन का। ध्यान रखना कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम हो जाए और सॉल्वेंट ज्यादा हो जाए, ध्यान देना क्या बोला मैंने, ये ब्लू वाला डाइल्यूशन का है, ठीक है, ब्लू वाला डाइल्यूशन और रेड वाला किसका भाई, कंसंट्रेशन, ठीक है। कि भाई अगर किसी सॉल्यूशन में, किसी विलयन में क्या कम हो जाए, सॉल्यूट कम हो जाए, सॉल्वेंट ज्यादा हो जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब तनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें सॉल्वेंट मिला दिया जाता है, एक्स्ट्रा पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इससे रिलेटेड कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है, ये बस समझाना था मेरे को। लेकिन अब मैं समझाऊंगा, इसको लिखवाऊंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, सांद्रता, ठीक है, अम्ल की सांद्रता क्या होती है, और भाई अम्ल का तनुकरण क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट लिखो, पहले इसको नोट कर लो, एक काम करो पहले इसको नोट करो फिर मैं बताता हूं क्या लिखना है। वीडियो पॉज करो, नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो। कर लिया होगा अब तक नोट, चलो अब देखना जरा ध्यान से, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब मैं कुछ लिखवा रहा हूं, लिखो जरा। सबसे पहले लिखो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, लिखो जरा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। लिखेंगे, लिखिए एसिड, एसिड विच इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड
विच इज कॉल्ड कंसेंट्रेटेड एसिड, विच इज कॉल्ड कंसेंट्रेटेड विच हैज वेरी लोअर अमाउंट ऑफ वाटर, विच हैज वेरी लोअर अमाउंट ऑफ वाटर, विच हैज वेरी लोअर अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, हिंदी वाले. सांद्र अम्ल वह होता है, सांद्र अम्ल वह होता है, सांद्र अम्ल वह होता है जिसमें जल की न्यूनतम मात्रा होती है, जिसमें जल की न्यूनतम मात्रा होती है, जिसमें जल की न्यूनतम मात्रा होती है. ठीक है, अब डाइल्यूशन लिखो, अब डाइल्यूशन लिखो. ठीक है, लिखो डाइल्यूशन. हाँ जी, क्या लिखेंगे लिखो. हिंदी वाले को लिखवा रहा हूं. तनु अम्ल वह होता है जिसमें जल की काफी अधिक मात्रा होती है. तनु अम्ल वह होता है जिसमें जल की काफी अधिक मात्रा होती है. ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड आर दैट, आर दैट विच हैज हायर अमाउंट ऑफ वाटर, विच हैज हायर अमाउंट ऑफ वाटर, विच हैज हायर अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये लिख लिया. ठीक है, दोनों पॉइंट्स लिखवा दिए मैंने. अब बात आती है बच्चों, अब ध्यान से सुनना. ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास कोई कंसेंट्रेटेड एसिड है. आपके पास क्या है, कोई कंसेंट्रेटेड एसिड है. मान लीजिए जैसे भाई मैंने ये एक एसिड ले लिया, एसिड, ये एसिड है कौन सा, HCl, और ये क्या है, ये क्या है जल्दी बोलो, ये है, इसमें वाटर ले लेता हूं मैं. ठीक है, एक बीकर में HCl है, मतलब एसिड है, वो भी कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, प्रबल. ठीक है, ठीक है, एक में हमने डाला HCl और एक में डाला हमने क्या भाई, वाटर. ठीक है, अब ड्रॉपर से, अब ड्रॉपर से इसमें हम लोग डाल रहे हैं, सॉरी गलत बना दिया, ठीक है, ड्रॉपर से हम लोग इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, इसमें वाटर है, और इस वाले में हम लोग क्या डाल रहे हैं, ड्रॉपर से एसिड डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, कौन सा एसिड, वही HCl. ठीक है, वही HCl. ठीक, तो इसके अंदर है HCl, ठीक है, इस ड्रॉपर में है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस बीकर में है वाटर. लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां बीकर में HCl है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ड्रॉपर में क्या है, वाटर. तो अब ये बताओ हमें क्या करना चाहिए, एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए, एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ क्या करना चाहिए, एसिड में वाटर मिलाना चाहिए या वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, जल्दी बताओ. अब कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो फालतू की, हैं ये क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो. अरे बात तो एक ही है भाई, पानी में दूध मिलाओ, ठीक है, चाहे दूध में पानी मिलाओ, बात तो एक ही है. लग रहा कहीं से सही, अरे सही लग रहा है भाई, चीनी में पानी मिलाओ या पानी में चीनी मिलाओ, बात तो एक ही है. कितने बच्चों को सही लग रही है, ठीक है, कुछ मोस्टली बच्चों को तो भाई यही लग रहा होगा, सेम बात है. ठीक है,
ठीक है कि भाई पानी में चीनी मिला दो या चीनी में पानी मिला दो, बात तो एक ही है। पानी में नींबू मिलाओ या नींबू में पानी मिलाओ, बात तो एक ही है। तो बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, ये बात कभी भी एक नहीं होती है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं पानी में चीनी मिलाओ, तो इसका मतलब पता है, समझ रहे हो क्या है, कि पानी ज्यादा है चीनी कम है, ठीक है। और अगर मैं कह रहे हैं चीनी में पानी मिलाओ, तो इसमें पता है क्या हो रहा है, कि वहां पे चीनी ज्यादा है पानी कम है। यानी जब हम, मैंने क्या बताया कि जब भी हम किसी चीज को किसी में मिलाते हैं, तो वहां पे सॉल्वेंट और सोल्यूट वाला टॉपिक आ जाता है। तो ये ध्यान रख लो, बोलने का बहुत बड़ा एक फर्क पड़ जाता है, जब भी हम लोग यहां पे कुछ बोल रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। पहली बात, एसिड है कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड है कैसा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में एक बात बताई थी, कि भाई आपको मैंने बताया था ना, कि जब वो H2SO4, याद करो प्रैक्टिकल, कि H2SO4 था, उसमें मैंने जिंक डाला, जैसी जिंक डाला बड़ी तेज उसमें से गैस बाहर निकली, याद है, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, मतलब उसने रिएक्शन, चार रिएक्शन की थी, गैस भी निकाला, कलर भी चेंज कर दिया, और भाई क्या हुआ कि भाई पीपी उसने प्रेसिपिटेट भी बनाया और टेम्परेचर में भी चेंज किया, मतलब चार पांच कंडीशन उसने वेरीफाई की। तो बच्चों यही याद रखना, अब देखो ये है एसिड और ये है वाटर, यहां है वाटर यहां है एसिड। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं HCl यानी एसिड में वाटर मिलाऊंगा, तो एसिड की मात्रा ज्यादा होगी और वाटर की मात्रा कम। और भाई एक स्ट्रॉन्ग एसिड पता है असल में होता क्या है, तेजाब होता है। एसिड का मतलब ही क्या है, वही तेजाब भाई। अब जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिला देंगे, तो आपको तो पता ही है भाई, एसिड तो बिल्कुल एकदम से क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, उससे आपके हाथ पैर जल सकते हैं भाई प्रैक्टिकल करते समय। तो इस वजह से हम लोग कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाते हैं, एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाते हैं, क्यों, इससे जलने का खतरा होता है, जो प्रैक्टिकल कर रहा होता है उसके हाथ पैर या फेस जल सकता है। इस वजह से हम लोग वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं, क्यों, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, एसिड बूंद बूंद बूंद, क्योंकि ड्रॉपर क्यों लिया हमने, ड्रॉपर इसीलिए लिए ताकि ड्रॉप वाइज हम इसको मिला सकें। और अब जब ड्रॉप वाइज जाएगा ये, तो वाटर होगा ज्यादा पानी और एसिड की बूंद होगी कम, तो यानी ड्रॉप वाइज जाएगी। और साथ ही साथ एक काम और करना है, कि जो बीकर होगा और जो ड्रॉपर होगा, जब उसको ड्रॉपर से एसिड को डालोगे, तो साथ ही साथ हिलाते रहो, क्यों हिलाते रहो, क्योंकि जब उसको हिलाते रहोगे, शेक करते रहोगे, तो आप क्या देखोगे कि वाटर फटाफट फटाफट एसिड के साथ मिल रहा है, और एसिड को ज्यादा क्या नहीं करने दे रहा भाई, एकदम से यो भाप वगैरह निकालने नहीं दे रहा या जलाने की कोशिश नहीं करने दे रहा। तो क्यों, क्योंकि वाटर का अमाउंट वहां पे ज्यादा है और एसिड का अमाउंट वहां पे कम है। तो जब एसिड का अमाउंट कम होगा, तो अपने आप भाई क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, आप किसी की लड़ाई होती है, वहां से 10 लोग आ गए, यहां से 2 लोग आ गए, तो भाई जीतने की चांसेस आप किसके बोलोगे, 10 लोग, रीजन क्यों, वो ज्यादा है ये कम है। तो बस वाटर यहाँ पे ज्यादा होता है, एसिड यहाँ पे कम होता है, तो आराम से क्या हो जाता है, वो मिल जाता है, और मिल के क्या बन जाता है, डाइल्यूट, क्या बन जाता है, डाइल्यूट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, तनु तनुकृत या तनुकरण कैसे किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे वाटर में एसिड मिला के, क्या मिला के, वाटर में एसिड मिला के, ना कि भाई एसिड में वाटर, क्यों, क्योंकि एसिड में अगर हम वाटर मिलाएंगे तो हाथ पैर जल सकते हैं, जबकि ये हमारे लिए सबसे सेफ है। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर इसको लिखवाता हूं मैं। लिखें, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, चलो लिखो लिखो, देखिए, कंसंट्रेटेड एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग आर वेरी स्ट्रॉन्ग। So, if we diluting the acids, if we are diluting the acids, we should add acid into the water. We should add acid into the water along with shaking, so that
सो दैट some drops of acids should not burn our skin. ठीक है जी, हिंदी वाले लिख लो. सांद्र अम्ल को तनुकृत करने के लिए, सांद्र अम्ल को तनुकृत करने के लिए जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए. क्योंकि अम्ल में जल मिलने से उनकी कुछ बूंदे हमारे ऊपर पड़कर जला सकती है. ठीक है, चलिए. तो आज मैंने आपको एसिड के बारे में ये डिटेलिंग दे दी कि आखिरकार कैसे हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं, कैसे हम लोग एसिड को उसमें नए नए चीजें ऐड करके कुछ बनाते हैं, डाइल्यूट कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या है. तो मैंने इसके बेसिक्स बता दिए. तो नेक्स्ट क्लास में मैं एसिड के सारी प्रॉपर्टीज को कवर कर दूंगा और प्लस बेस नहीं, सॉरी, एसिड की सारी प्रॉपर्टीज को कवर करके और एसिड का नेचर एसिडिक ही क्यों होता है, एक ये टॉपिक मैं आपके लिए कवर करूंगा. तो अगली क्लास जो होगी वो थोड़ी सी लंबी भी होगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ही मेरे को समझाना है. आज की टॉपिक भी काफी अच्छा था क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने वाला, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कंसेप्ट और फैक्ट दोनों है इसके अंदर. तो लिखना भी पड़ेगा और समझना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ये समझ लो, समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं, भर भर के बहुत सारी बातें. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पूरा एसिड खत्म कराऊंगा, जितने भी इसके टॉपिक हैं वो सारे कवर कर दूंगा. ठीक है, ये जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आखिरकार अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखाता है, क्यों दिखाता है और कैसे कैसे कर सकता है, वो सारी बातें करके मैं पूरा एसिड खत्म कर दूंगा. ठीक है, तो चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट होने की वजह से ये थोड़ी लंबी खिंचती है क्लास. ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, एसिड के पूरे प्रॉपर्टी और उसके नए फैक्ट के साथ.